नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि 16वीं शताब्दी के महान संत रविदास की एक कविता आज के माहौल में सच साबित होती दिख रही है। ये वो कविता है जिसमें चीन, अरब और इटली में कोहराम की बात की गई है। साथ ही लिखा है कि भारत एक बार फिर से विश्व गुरु के तौर पर उभरेगा। दोस्तों, यह कविता संत रविदास की पोथी नाम की पुस्तक में कई सालों से संकलित है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती कि इसे संत रविदास ने ही लिखा है या बाद में किसी ने अपनी तरफ से जोड़ा है। हम इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करते। फिलहाल ये कविता सोशल मीडिया पर खूब शेयर की जा रही है। आगे हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। पहले आपको बता दें कि संत रविदास थे कौन। संत रविदास को रैदास नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म हुआ था 1450 में, वो भी काशी में। कहा जाता है कि उनके पिता जूते बनाने का काम करते थे और रविदास ने भी यही काम अपनाया। शुरू से ही वो ईश्वर की भक्ति में रमे रहते थे, यहाँ तक कि अपने काम को भी ईश्वर की आराधना की तरह करते थे। रविदास बहुत परोपकारी और दयालु थे और दूसरों की सहायता करना उनका स्वभाव था। लोक कथाओं के अनुसार वो दाम लिए बिना काशी के संत महात्माओं को अपने हाथों से बनाए हुए जूते भेंट किया करते थे। बाद में उन्हें संत गुरु रविदास के नाम से जाना गया। वो बातों बातों में ऐसी गूढ़ बातें बोल दिया करते थे कि हर कोई हैरान रह जाता था। उनके भजनों का जादू ऐसा था कि हर कोई उन्हें भाव विहल होकर सुनता था। संत रविदास ऐसे पहले संत थे जिन्होंने जाति पाति छोड़कर सभी को प्रेम में रहने का संदेश दिया। मन चंगा तो कठौती में गंगा उन्होंने ही कहा था। मीरा बाई उनकी ही शिष्या थी। अब बात करते हैं संत रविदास की भविष्यवाणी के बारे में। उन्होंने यूं तो आने वाली दुनिया को लेकर कई भविष्यवाणियां की, जिनमें से कई काफी हद तक सच साबित हुई, लेकिन एक भविष्यवाणी ऐसी भी है जो आज के हालात में सही साबित होती दिख रही है। आइए बताते हैं आपको इस भविष्यवाणी के बारे में। भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा, जीते जी कई बार मरेगा, छद्म वेश में विचरेगा, देश बचाने के लिए होगा आह्वान, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान, तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर द्रोही घपला, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा, नेता मंत्री और अधिकारी, जान बचाना होगा भारी, छोड़ मैदान सब भगेंगे, सब अपने अपने घर दुबकेंगे, जिन जिन भारत मात सताई, जिसने उसकी करी लुटाई, ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा, चीन अरब की धुरी बनेगी, विध्वंसक ताकत उभरेगी, घाटे में होंगे ईसाई, इटली में कोहराम मचेगा, लंदन सागर से डूबेगा, युद्ध तीसरा प्लयंकारी, जो होगा भारी संगारी, भारत होगा विश्व का नेता, दुनिया का कार्यालय होगा, भारत में न्यायालय होगा, तब सतयुग दर्शन आएगा, संत राज सुख बरस आएगा, सहस्त्र वर्ष तक सतयुग लागे, विश्व गुरु भारत बन जागे। इस कविता का क्या मतलब है, आज की परिस्थितियों में इसे समझना मुश्किल नहीं है। हमने जांच की तो पाया कि संत रविदास के साहित्य में यह कविता काफी सालों से है। हालांकि बहुत सारे लोग इसे रविदास का लिखा हुआ नहीं मानते, क्योंकि इसकी भाषा काफी हद तक खड़ी भाषा है, जबकि संत रविदास के समय तक ऐसी भाषा विकसित ही नहीं हुई थी। संत रविदास की परंपरा को मानने वाले कुछ साधक मानते हैं कि यह कविता रविदास की ही लिखी है। किसी कविता का सरल भाषा में रूपांतरण किया गया है, इनमें से सच्चाई जो भी हो, लेकिन यह आश्चर्यजनक है कि ऐसी कविता कई साल से प्रचलित है। रैदासी परंपरा के लोग इससे पहले से भी परिचित हैं। फिलहाल सोशल मीडिया पर कई लोग इस कविता की सच्चाई जानने के इच्छुक दिखाई दे रहे हैं। आपको यह कविता कैसी लगती है और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो वो भी जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।